हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। इसका नीचे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम, साथ में इंडिया के सारे नेबरिंग स्टेट, यानी कि एक्चुअली कंट्री नहीं स्टेट ही बोला जाता है, फिर भी मैं आपके लिए कंट्री ही बोलूँगा। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बता देना है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम बता देना है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, चाइना के, भूटान के, इसी तरह से इंडिया के जितने भी बॉर्डर शेयरिंग वाले कंट्री हैं सारे कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए। जो भी कमेंट करेंगे उन जिन्होंने आंसर दे दिया होगा उनके कमेंट को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उनको रिप्लाई में थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच कंट्री प्लान्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय इंडिविजुअल, यानी कि अगर आपके पास जो सरकार ने तय किया है उससे ज़्यादा अगर फॉरेन करेंसी पाई गई आपके पास तो आपको यहाँ पे सजा मिल सकती है। उस कंट्री का नाम बताना है, पाकिस्तान, यूक्रेन, नेपाल या श्रीलंका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने यहाँ जो उनके यहाँ मंदी आई है, जो भी प्रॉब्लम आया है, क्राइसिस आया हुआ है, उससे निपटने के लिए ऐसा कदम उठाया कि यहाँ पे आप 10,000 से ज़्यादा का जो अमेरिकी डॉलर है वो रख, सॉरी 15,000 से ज़्यादा लिमिट जो है, एक्चुअली 10,000 से 15,000 के बीच में आप जो है पैसे रख सकते हो। अदरवाइज इससे ज़्यादा अगर आपके पास मिले तो आपको सजा भी यहाँ पे हो सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंथनी अल्बनीस ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? तो देखिए इस कंट्री के साथ हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिश्ता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया है। अब क्वाड कंट्री किसे बोलते हैं? चार इंपॉर्टेंट कंट्रीज एक साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने वाली है। क्वाड में आपको मिलेगा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये चार कंट्री मिलकर जो है चाइना के ऊपर जो है उसे नकेल कसने की बात ये चार कंट्री करती है। और यहाँ से आप देख सकते हो ये मॉरिशन पहले यहाँ के पीएम थे और यहाँ पे जो एल्बनीज हैं ये नए बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली यूएस हैज डिसाइडेड टू पुट विच कंट्रीज नेशन ऑन मून इन द कमिंग ईयर। यहाँ से आप इसके आंसर्स देख सकते हो, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया या फिर यूके। आपको उस कंट्री का नाम बताना है जो कि इस कंट्री के नेशंस को जो है मून पे ले जाने वाला है। तो देखिए इसका राइट आंसर जापान होना चाहिए, फिर भी मैं देख लूंगा। जी हाँ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, जापान एंड यूएस टू कॉपरेट ऑन फ्यूचर मून लैंडिंग बाय चाइनीज एस्ट्रोनॉट, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जापान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आईआईटी जेई टू गो ग्लोबल एंड बी ओपन टू स्कूल्स फ्रॉम डैश नेशन, यानी कि आईआईटी आपको कितने नए नए स्कूलों में, एक्चुअली जो है आईआईटी जो है अलग अलग आपको जो है देशों में खुलता हुआ दिखेगा। आपको बताना है कि कुल कितनी आईआईटीज खुलेगी, 10, 15, 25 या 3। तो देखिए इसका राइट आंसर 25 होगा। 25 आईआईटीज अलग अलग कंट्री में खुलेगी। यहाँ से आप आर्टिकल भी दे सकते हो, आईआईटी जेई टू गो ग्लोबल, यानी कि अब ये पूरे वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिलेगा, यूएस यानी कि अमेरिका में भी और वियतनाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये हमारे जो आईआईटी की प्रेस्टीज है, यानी कि इसका जो करिश्मा है, ये अब अलग अलग देशों में भी देखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द वेन्यू ऑफ 75th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो 75वीं एडिशन है ये कहाँ होगा? रोम में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में? तो यहाँ से आप इसकी आर्टिकल से आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए ये जो होगा ये 75वां सम्मेलन होगा वो होगा जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ से देख सकते हो आप कुछ हेड ऑफ जो स्टेट हैं यानी कि कंट्री के हेड आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से जापान के पीएम को भी देख सकते हो आप, यहाँ से यूएसए के प्रेसिडेंट को और यहाँ से मोदी जी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को। रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ से अगर आप काउंट कर लोगे ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, अगर आप काउंट करते हो वन बाय वन तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए कौन आईपीई का मेंबर है और कौन सीपीटीपीपी का है, कौन आरसीईपी का है। तो इस तरह से आप यहाँ से आंसर देख पाओगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया साइंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। किस कंट्री के साथ जो है इंडिया ने इन्वेस्टमेंट इंक्री जो इंसेंटिव है ये साइन किया है? जापान के साथ, यूएस के साथ,
रसिया के साथ या फिर फ्रांस के साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख पाओगे, इंडिया और यूएस ने, दोनों ने मिलकर जो है इस एग्रीमेंट पे साइन किया है, जो कि आने वाले टाइम में जो है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी आएगा और यहाँ की कुछ कंपनियों जो है यूएसए में भी अपना जो ब्रांच है वो खोल पाएगी। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूँ, KBS NBS एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी सब्जेक्ट हो 99 में आप एक्वायर कर सकते हो। अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे 399 में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर दीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। आखिरी समय में ये नोट्स बहुत ही फ्रूटफुल होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बैंड द यूज़ ऑफ डॉलर फॉर लोकल ट्रेड, यानी कि आप यहाँ पे लोकल ट्रेड के लिए डॉलर का यूज़ नहीं कर सकते, वो बैन कर दिया गया है, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में या फिर डेनमार्क में। तो देखिए ये म्यांमार में ही होना चाहिए, बिल्कुल म्यांमार में मिलिट्री कू हो चुका है। कू यानी कि ये वर्ड शायद एग्जाम में भी पूछ दिया जाए, कूक मत पढ़ना, इसे कू बोला जाता है। कूक का मतलब होता है सैन, जो तख्ता पलट होता है, तख्ता पलट का मतलब वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी के द्वारा जो है यानी डेमोक्रेटिक जो है रूल चल रहा था उसे हटा कर अब जो है आर्मी पावर में आ जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट दैट हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग ऑफ 2022। तो आपको बताना है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी। तो यहां से आप देख लीजिए, पहले पोजीशन को यूएसए, दूसरे पोजीशन को भी यूएसए, लेकिन दोनों पोजीशन यूएसए का है तो इसे आप वन ही कंसीडर करोगे। दूसरे नंबर पे रसिया है, फिर तीसरे नंबर पे आपको फिर से अमेरिका दिखेगा और चौथे नंबर पे आप एक्चुअली ये जो है तीसरा नंबर जो है इंडिया का दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो चीज़ों को, यहाँ पे पहले नंबर पे अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पे भी अमेरिका, यानी कि अमेरिका जो है तीन पोजीशन चार पोजीशन को खुद होल्ड करता है, उसके बाद इंडिया, यानी कि हम लोग थर्ड पोजीशन पे हैं यूएसए एंड रसिया के बाद, हमारी रैंक क्या है, थर्ड है। आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट द पीएम मोदी हैज इनोग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट जो है वर्ल्ड में पहली बार ये खुलने वाला है। कहाँ पे ये खुलेगा आपको ये बताना है, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख सकते हो ऑप्शन डी, यानी कि ये गुजरात में खुलने वाला है, गुजरात में पहले पूरे वर्ल्ड में। आई रिपीट, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे जो है VVI लगा लेना, पेन पेपर पर लिख लेना आप इसे। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इसराइल, यानी कि इसराइल के साथ किसने जो है FTA जो है साइन कर लिया है, इंडिया ने, UAE ने, चाइना ने या फिर सऊदी अरेबिया ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, UAE और इसराइल ने मिलकर इस डील को क्लोज कर लिया है, यानी कि क्रैक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन पीरियड मूवी सम्राट पृथ्वीराज किस किस कंट्री पे जो है इसे बैन का जो है दंश झेलना पड़ा था। तो यहाँ से आप आंसर देख पाओगे, अक्षय कुमार की जो सम्राट पृथ्वीराज थी जिसे कुवैत और ओमान में, यानी कि कुवैत और ओमान, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे इस फिल्म को बैन कर दिया गया था और बोला गया था कि यहाँ पे जो इस्लाम एक्चुअली जो इन्वेडर थे उनकी छवि को ख़राब किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड डैश हैव साइंड अ विजन स्टेटमेंट विद द एम ऑफ फर्दर डिपिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन बोथ नेशंस, यानी कि किस दो अलग अलग देशों ने इसको साइन किया है, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इसराइल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इंडिया और इसराइल। देखिए डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत आगे है, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ, जब कारगिल वार हो रहा था या फिर 1962 में चाइना वार, सबसे पहली बार 1962 में जब चाइना वार हो रहा था ना, हमारे पास हथियार की कमी हो गई थी और हम लोग इसराइल के साथ वहाँ पे ऑफिशियली हम लोगों का रिलेशन नहीं था, हम लोग फिलिस्तीन को ज़्यादा आगे बढ़ाते थे। 1962 में इसराइल ने हम लोगों को बहुत हथियार दिया जिसके कारण हम चाइना के सामने डटकर मुकाबला भी कर पाए, अदरवाइज हमारी तो हालत पतली हो गई थी। तो इसराइल हम लोगों के साथ उस समय से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, तो ये मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि इंडियन जो है ना अपने डेली रूटीन में इस तरह से चीज़ों को करें उससे इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस करना पड़े। यहाँ से आप जो है मोदी जी की फ़ोटो भी देख सकते हो और मन की बात में उन्होंने ये सारी बातें की थी, जो कि आपको रेडियो पे आने वाला एक कार्यक्रम है, संडे को आता है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर ड्रोन कैरियर। देखिए ये ड्रोन कैरियर है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा समझ लो आप, जैसे आपका कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है जहाँ से आप पासवर्ड से उसे ओपन करते हो, या फिर आपकी वॉच है, या फिर आपका मोबाइल है, फिंगरप्रिंट के द्वारा आप उसे खोलते हो, या फिर आपके रेटिना को वो पढ़कर ओपन हो जाता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है चाइना, आई रिपीट, ये क्या है चाइना, चाइना ने जो है इसे ऐसा किया है, चाइना के द्वारा जो है पहली बार वर्ल्ड की फर्स्ट आई ए जो है ड्रोन कैरियर शुरुआत की गई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्रीज एस्ट्रॉइड प्रोब फाउंड 23 अमीनो एसिड इन सैंपल ब्रॉट बैक टू अर्थ, अर्थ पे आने वाली है ये, कहाँ से आई हुई है, जापान से, चाइना से, यूएसए से या फिर रशिया से, तो ये जापान, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ से देख लो जापान के द्वारा ये 23 अमीनो एसिड्स के सैंपल लाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इंडिया की इन्वायरमेंटल जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहने वाली है, एक्चुअली क्या रही थी, तो यहाँ से देख लीजिए, ये बहुत शर्म की बात है कि हम लोगों की रैंकिंग सबसे खराब रही थी, 180 में सबसे नीचे पे हम लोग थे, यानी कि सबसे लास्ट पोजीशन हम लोगों की आई थी, दैट इज़ वेरी असेम्ड फॉर एज अ नेशन, हम लोगों को काम करना है और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो या फिर ई कचरा हो या किसी तरह का भी कचरा हो, उसे हम लोगों को निजात पाना होगा, हम लोगों को इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसे यूज़ करना होगा। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्रीज होस्टेड द मल्टी नेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक खान क्वेस्ट 2022, ये किस कंट्री के द्वारा किया गया था, तो देखिए कजाकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान या इसराइल के द्वारा, तो ये मंगोलिया होना चाहिए, जी हाँ मंगोलिया इज द राइट आंसर, किसके साथ आपको जाना था, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था, मंगोलिया इसका राइट आंसर होगा। जहाँ पे देखिए एक्चुअली जो यूएन की पीस कीपिंग एक्सरसाइज है ना, ये देश पूरे विश्व में जो है शांति स्थापित करना चाहती है, सपोज कर लो अभी इंडिया पे किसी गुंडे का राज हो जाए, तो ऐसे में यूएन क्या करेगा, पीस कीपिंग फोर्स करेगा और यहाँ से जो है इनको मार भगाएगा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बट एज्यूम कर लो आप। ईरान रिसेंटली साइंड अ मेगा 20-year स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री, ईरान ने जो है 20-year स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है किस कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, चाइना, वेनेजुएला या फिर इसराइल के साथ, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, सैंक्शन हिट ईरान, वेनेजुएला साइंस 20-year, देखिए दोनों एक ही गली के गुजरे हुए हैं, एक्चुअली दोनों एक ही तरह से घायल हुए हैं, ईरान भी और वेनेजुएला भी, तो दोनों ने हाथ मिला लिया और बोला कि हम लोग 20 साल तक, ये बहुत बड़ी बात होती है 20 साल, तो दोनों ने मिलकर क्या क्या है टाई अप कर लिया कि हम लोग बिजनेस करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है, इसरो से, आर्म फोर्स से या फिर माइनिंग सेक्टर से या फिर फॉरेन सर्विस से, इतना इजी क्वेश्चन है कि इतने ट्रेन जले थे इस पे ना कि क्या ही कहा जा सकता है, नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा तो मुझे भी पता चले वीडियो आपने एटलीस्ट यहाँ तक देख ली है। आगे बढ़ते हैं, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिक्वायर दैट अ वार्निंग टू बी प्रिंटेड ऑन एवरी सिगरेट, देखिए आप सिगरेट अगर नहीं पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पीते हैं पहले देखना उनके डब्बे के ऊपर में एक वार्निंग लिखा होता था, कैंसर हो सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन कनाडा ऐसा कंट्री है जो कि अब ना हर सिगरेट के ऊपर में ये चीज़ें करने वाला है, वार्निंग देने वाला है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा ऐसा करने वाला है कि वो हर सिगरेट के ऊपर जो है प्रिंट करेगा। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट SRS इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज नाउ, यानी कि इंडिया में जो लोग हैं ना कितने साल तक जिंदा रहते हैं, तो ये थोड़ी सी बढ़ी है और 69.7 ईयर्स हो चुका है, अभी भी जापान बहुत आगे है हम लोगों से, राइट आंसर फिलहाल बी नंबर होगा, यहां से देख सकते हो 69.7। इंडिया रिमूव्ड बैन ऑन विच कंपनी रिसेंटली, इंडिया ने किस कंपनी के ऊपर से बैन को हटा दिया है, वीजा, पेपल, मास्टर कार्ड या फिर नन ऑफ दीज, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर कार्ड, जिसके ऊपर से हम लोगों ने जो है क्या किया है, इसके ऊपर जो है जो भी बैन लगे हुए थे उसे हटा दिया है, यहाँ से आप मास्टर कार्ड की फोटो भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज प्रपोज्ड अ फ्यूचरिस्टिक प्लान टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस, स्पेस में ये जो है सोलर पावर प्लांट लगाने वाली है, किसका फ्यूचरिस्टिक प्लान है, तो देखिए चाइना ये करने वाला होगा, मुझे तो 100% भरोसा है, क्योंकि चाइना स्पेस में ना अपने ताकत को बहुत बढ़ा रहा है, आगे दिनों में देखना आप स्पेस से ही जो है लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी, तो यहाँ से देख लेते हैं फिलहाल इसका आंसर, ये देख लो चाइना, मैंने कहा था ना चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है स्पेस में, हम लोगों को भी बहुत आगे बढ़ना होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली द मोस्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून सो फार, जो जियोलॉजिकल मैप है मून का उस किसके पास है, आई थिंक ये भी चाइना ही होना चाहिए, देख लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ से देख लीजिए चाइना रिलीजेस वर्ल्ड मोस्ट डिटेल मैप ऑफ मून, मैंने कहा था ना स्पेस में सबसे ज़्यादा काम जो है अभी चाइना ही कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, विच साउथ एशियन कंट्री हैड टू डिक्लेयर अ हॉलीडे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्यूल, इस कंट्री में क्या हुआ था,
इस कंट्री में जो है फ्यूल की कमी आ गई है, जिसके कारण इन्होंने क्या कर दिया, हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। कौन सा वो कंट्री है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान ने भी ये काम किया है, श्रीलंका ने भी ये काम किया है, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो पाकिस्तान जो है बहुत दिनों से जो है दो हॉलीडेज रखता है, सैटरडे को भी और संडे को भी। इंडिया में आपको सिर्फ संडे को छुट्टी मिलेगी, तो राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड टू इम्पोर्ट 70,000 tons ऑफ यूरिया फ्रॉम विच कंट्री? पहली बार हम लोग जो है इतने मात्रा में 47,000 टन बहुत होते हैं, इतना जो यूरिया है हम लोग किस कंट्री से मंगाने वाले हैं, यूएसए के से, इसराइल से, चाइना से या फिर यूक्रेन से? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका, यूएसए। यहाँ से देख लो आप, जी हाँ ये देख लीजिए, हम लोग यूएसए जो है ये मंगाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट केमिकल मैप ऑफ द इंटायर मिल्की वे वॉज रिसेंटली मेड बाय, किसने बनाया था ये? नासा ने, इसरो ने या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने या फिर चाइनीज स्पेस एजेंसी ने? तो यहाँ से इसका आंसर देख लो आप, ये जो है मिल्की वे ये नासा के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होता है कितने सालों के लिए होता है? 5 सालों के लिए, 200 सालों के लिए, 20 साल के लिए या 99 साल के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा 5G स्पेक्ट्रम जो होगा वो 20 साल के लिए अलॉट किए जाएंगे प्राइवेट कंपनीज को। एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन ये सब मिलकर जो है अभी 5G इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। कई मेट्रो टाउन में ये लॉन्च भी हो चुका है। ज्वाइंट बॉर्डर को ऑपरेशन इवेंट इन 2023 इज इन अ न्यूज दिस डे, आपको बताना है कि ये किस ग्रुप के द्वारा जो है इसे प्रपोज किया गया है? तो देखिए ये SCO के द्वारा ही किया जाना चाहिए, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ से आप देख सकते हो, जी हाँ ये इंडिया ने जो है चाइना के इनिशिएटिव को प्रपोज किया है और ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। नीचे कमेंट करके बताइएगा संघाई ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन का जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। यहाँ से देख लीजिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट वर्ल्ड कॉम्पिटेंसी इंडेक्स 2022? तो इंडिया की जो है कॉम्पिटेंसी में कितनी रैंक थी? हम लोगों ने 6th place का जंप भी लगाया था, आपको बताना है कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 37, हम लोग कहां पहुंच गए हैं 37 पे। डैश हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड एज अ कंट्री ऑफ द ईयर, यूरोप का जो वाइवा टैक हुआ था यहां पे, किस कंट्री को जो है कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जिसने बहुत ही झामफाड़ काम किया है? चाइना, यूएसए, जापान या फिर इंडिया? तो राइट आंसर होगा, यहाँ पे आपको इंडियन होने का प्राउड फील होना होगा, इंडिया को जो है कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये जो है बातें अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे IT मिनिस्टर भी हैं और रेलवे मिनिस्टर भी, इन्होंने ये बातें शेयर करी थी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट इन विच कंट्री हैड लॉस्ट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किस कंट्री ने अभी हाल में ही अपना मेजोरिटी है लॉस कर दिया है? तो देखिए ये काम इसराइल में भी हुआ था, ये काम पाकिस्तान में भी हुआ था, लेकिन फिलहाल जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखकर आप जान जाओगे ये इसराइल है। और इसराइल में यहाँ से देख सकते हो आप, एक्चुअली नहीं है कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजराइल। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इस्तोनिया, इस्तोनिया की जो कैपिटल है वो क्या है? यहां से देख लीजिए, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर, बिल्कुल यहां से देख लो, यहां से आपको दिख रहा होगा और यहां से ऑप्शन देख लो, यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक्चुअली ये कंट्री जो है ना बहुत हाईलाइटेड था, तो हो सकता है कि इसकी कैपिटल को भी एग्जाम में पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑयल इन अ ड्रिल वेल, देखिए आपको ये बताना है ONGC ना, ये सिर्फ इंडियन कंपनी ने, एक्चुअली ये इंडियन कंपनी है बट अलग अलग कंट्री में जाकर ये तेल वगैरह का भी जो है पता करती है और वहाँ पे बिजनेस भी करती है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ किया गया है, जापान में, फिलीपींस, कोलंबिया या फिर ब्राज़ील में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलंबिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए, एक बार मैं फिर से चेकआउट कर लेता हूँ, ये देख लो बिल्कुल कोलंबिया इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री डिफॉल्टेड ऑन अ फॉरेन डेब्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1918? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया ने जो भी बॉन्ड खरीदा था कहा कि हम इसके पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर इतना सेंसन लगा दिया गया। सपोज कर लो कि कोई यूट्यूबर है, रसिया का यूट्यूबर है, उसको अब जो है मोनेटाइजेशन से पैसे मिलने बंद हो गए हैं। अगर कोई टोटली जो है यूट्यूब पर डिपेंडेंट था तो उसकी तो बैंड बच गई। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट द मैडन 5 टेस्ट फॉर ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन? तो ये DRDO होना चाहिए,
डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, और डीआरडीओ के चीफ कौन है अभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पीएसएलवी C-53 मिशन, ये जो है इसरो के द्वारा जो है 3 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। किस कंट्री के सैटेलाइट को हम लोगों ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा इसरो सिर्फ इंडिया के ही मिसाइल को नहीं और भी कंट्रीज के मिसाइल को कम रेट पे जो है हम अंतरिक्ष में पहुंचाता है, जिस कारण इसरो की एक्स्ट्रा कमाई भी होती है। तो इसका राइट आंसर सिंगापुर होना चाहिए, मैं देख लेता हूं एक बार। जी हां बिल्कुल, सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को हम लोगों ने स्पेस में पहुंचाया, जी हां सी इज का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज हर्मिट, ये जो है न्यूज में था हाल में, तो ये क्या था? तो देखिए आप लोगों को पता ही होगा, एक स्पाईवेयर जो कि पेगासस के नाम से आप लोगों ने सुना होगा, राहुल गांधी के भी फोन टैप कराए गए थे, अभी मैंने रेल मंत्री अश्वी वैष्णव का भी नाम लिया था, उनके भी फोन को टैप कराया गया था, और पाकिस्तान में इमरान खान के फोन की भी स्पाइंग की गई थी। स्पाइंग का मतलब होता है जानकारी लेना, इमरान खान किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हजारों तरह के कितने SMS आ रहे हैं उनको, ट्विटर पे कौन मैसेज कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग स्पाईवेयर के द्वारा जानकारी ली गई थी। तो फिलहाल हर्मिट भी क्या है, एक स्पाईवेयर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, याया लापिट बिकम द न्यू प्रेसिडेंट, देखिए सॉरी प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के, देखिए इनको जो है कुछ दिनों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसराइल में ना बहुमत किसी को नहीं मिला है, मेजोरिटी किसी को नहीं मिली, जिसके कारण बार बार वहाँ पे सरकार कोलैप्स हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसराइल, बी इज द राइट आंसर। यहाँ से आप फोटो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफर टू सेटअप अ MRO इन इंडिया। देखिए एक्चुअली ये MRO क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विस जो है ये देने वाली है। देखिए फ्रांस ये करने वाला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली फ्रांस से जो भी हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट मंगा रहे हैं उसे रखरखाव की भी जरूरत आएगी, उसे जो है अपडेट करने की भी बात आएगी, तो फ्रांस ने कहा कि आपको इतनी परेशानी जो है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके कंट्री में ही एक MRO जो है इस्टेब्लिश कर देंगे, वहाँ से आपकी मेंटेनेंस होते रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेराचो इज इन अ न्यूज दीज डेज, ये क्या है आपको बताना है। तो देखिए ये एक ऐसा स्ट्रॉम आया था ना, आप देखकर हैरान रह जाओगे कि पूरा आसमान ही ग्रीन हो गया था। यहाँ से आप फोटो देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फेमस कन्फ्लेशन ऑफ द टू सीज स्पीच जो है किसके द्वारा दी गई थी 2007 में। तो देखिए इनकी डेथ हो गई है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, और आपको पता ही होगा मनमोहन सिंह अभी भी जिंदा है, मोदी जी भी जिंदा है, बराक ओबामा भी जिंदा है, शिंजू आबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी, और क्वाड की भी जो है नींव इन्होंने ही रखी थी, इनके माइंड में ही सबसे पहले आइडिया आया था कि क्वाड को विकसित किया जा सकता है। इन फाइनेंशियल ईयर 2022 हाउ मेनी डिड इंडिया स्पेंड इन इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल, हम लोगों ने क्रूड ऑयल पे कितने रुपए खर्च कर दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 119 बिलियन USD। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 119, यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया की जो ये है बी इसका राइट आंसर है, यहाँ से आप देख सकते हो यानी कि 119 बिलियन अमेरिकन डॉलर हम लोगों ने खर्च किए सिर्फ तेल मंगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन, देखिए एक्चुअली मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि नेशनल फ्लैग पे कितनी परसेंट GST ली जाएगी, 24%, 12%, 2% या फिर 0%। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम लोग झंडे पे कुछ भी GST नहीं लेंगे, ताकि हर कोई झंडा फहराए, हर कोई झंडा खरीद सके, एक्चुअली झंडा खरीदना प्राइड की बात है, तो इस पे GST हम लोग नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 जो है ना, ये इसका थीम क्या था ये बताना है आपको। सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नीचे कमेंट करके इसका जवाब बताइए आप लोग, और इसका जो राइट आंसर होगा अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन इसका राइट आंसर होना चाहिए। जी हाँ ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विंबलडन 2022 मैन सिंगल किसने जीता था। तो देखिए इसका राइट आंसर आप यहाँ से देख पाओगे कौन जीता था और कौन हारा था, नोवाक जोकोविच जिन्होंने जीता था, और राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना, हम लोग चाइना के पॉपुलेशन के मामले में कब हरा देंगे, 2030, 2023, 2026 या 2050। तो अगले ही साल यानी कि 2023 में हम लोग जो है चाइना को पीछे कर देंगे, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, NMC 2170 ये न्यूज़ में है, आपको बताना ये क्या है, एक मिसाइल है जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है, या इंडिया की पहली लिथियम आयन सेल है। तो इसका राइट आंसर बी ही होना चाहिए, बिल्कुल देख लेता हूं मैं। जी हां यहां से आप देख सकते हो लिथियम आयन बैटरी है जो कि इंडिया के द्वारा बनाई गई है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इसे रिलीज़ किया गया है, और यहाँ से दृष्टि आईएएस का आप जो है यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो एक्चुअली लिंक नहीं, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिन्होंने कहा है, यहाँ से देख लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 17 अल्फा ये क्या है, आपको ये बताना है। इसरो का नया लॉन्च व्हीकल है, रशिया का नया मिसाइल है, इसराइल का लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, या स्टील फ्रेग्रेंट फॉर नेवी है? तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। यहाँ से आप राजनाथ सिंह की फोटो भी बिल्कुल यहाँ से देख लीजिए, राजस्थान एक्चुअली जो राजनाथ सिंह है इनकी फोटो भी देख सकते हो, और इन्होंने जो है इसको लॉन्च भी किया था इंडियन नेवी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बस ये बताना है, द ओल्डेस्ट जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है ये न्यूज़ में है, आपको बताना है कि इसे कैप्चर किया गया था किस टेलीस्कोप के द्वारा। तो नीचे कमेंट करके इस चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है उसको नीचे बताना है आपको। वीडियो में 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर इसकी पार्ट टू चाहिए होगी आपको, आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो पार्ट टू ज़रूर कमेंट करें ताकि इसका पार्ट टू रिलीज़ किया जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लीजिए, जिनको 99 में प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो ले सकते हैं, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, धन्यवाद।